हाय एवरीवन, और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आज आ गई हूँ मैं आपके लिए एक और बहुत बढ़िया डिलीशियस रेसिपी लेकर, वो है बाजरे की रोटी। ये देखो, मैंने बाजरे का आटा ले लिया है, ये पेस्टिसाइड फ्री है, नेचुरल फूड, और बाजरा बहुत अच्छा रहता है सर्दियों में। यहाँ पर मैंने 1 कप बाजरे का आटा ले लिया, और इसमें मैं 1 पिंच बिल्कुल सॉल्ट डाल दूंगी। 1 पिंच मैंने यहाँ सॉल्ट ऐड कर दिया है, और नॉर्मल पानी से ही मैं इसको, पहले यहाँ पे मैं सॉल्ट को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और नॉर्मल पानी से ही मैंने इसको गूंथा है। यहाँ पर 1 कप बाजरे का आटा है, मैंने आधा कप पानी लिया है, नॉर्मल जो है हमारा पानी वही लिया। बहुत से लोग गर्म पानी भी यूज़ करते हैं, गुनगुना पानी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नॉर्मल पानी लिया है बिल्कुल। और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसे इस तरीके से अच्छे से ना पहले मिक्स कर लेंगे। पानी को पहले हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत इजीली, और बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि क्या है, आटा एकदम से पतला हो जाएगा तो उसे फिर और आटा मिलाना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है कि आटा अच्छे से बाइंड होने लगे, और एक दरदरा टेक्सचर इसमें आ गया है। देखिए, हल्का हल्का सा पानी डाल के मिलाया था मैंने। अब यहाँ पर इस तरीके से आधे कप में भी थोड़ा सा पानी बच गया है, ये देखिए इस तरीके का हो गया है। इसे थोड़े से एक दो मिनट देंगे इसी तरीके से हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, सपोज एक रोटी मुझे बनानी है, बिल्कुल इसमें 2 ड्रॉप मैंने पानी ऐड किया, और इस तरीके से ना इसको अच्छे से मसलते रहेंगे बिल्कुल ज़रा ज़रा से पानी डाल के। बस इसका ये जो मसलने वाला पोर्शन है ना, ये करना है हमें। जैसे ही हम जब रोटी बनाते हैं तो एक एक रोटी के लिए हम इस तरीके से करते रहेंगे, बहुत बढ़िया रोटी बनेगी एकदम फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे मैश होता रहेगा, ये देखो इस तरीके से ना हथेली की इस वाले भाग से इसको हम मैश करेंगे, तो इसमें एक ये थोड़ा सा फूल जाएगा आटा, थोड़ा सा फूल जाएगा तो इसमें बाइंडिंग सी आ जाएगी, और ये टूटेगा नहीं, देखते समय ना टूटेगा नहीं, बहुत आराम से हम इसकी रोटी बना सकते हैं। मैंने इसमें कोई भी और आटा वाटा कुछ नहीं मिलाया है, लेकिन ये वाला प्रोसेस कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छी रोटी बनती रहेगी। ये देखिए अब क्या हो रहा है, देखो अब ये बिल्कुल बॉल अच्छी बन गई है ना, एकदम चिकनी बॉल बन गई है। बस हमें यही करना है, इस तरीके की चिकनी बॉल बन जाएगी। एक मिनट लगता है मुश्किल से, इसको हमें थोड़ा सा मसलना होता है। अब हमने ये बॉल ले ली, और यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे, बाजरे का ही सूखा आटा डस्टिंग कर लेंगे अच्छे से। खूब सारा आटा यहाँ पे मैंने अच्छे से नीचे से बिल्कुल ऐसे कर लिया है, और हल्के हाथ से बिल्कुल फैल, थोड़ा सा हाथ से टैप कर देंगे, और फिर बेलन से बहुत ईजीली बस सूखा आटा लगाते रहेंगे ताकि ये ना चिपके ना नीचे, इस बात का ध्यान रखना है। बेलन से ही मिल गया था बहुत आराम से मेरी इस आटे में, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इसको ऐसे नहीं उठा सकते, हम गरम तवा कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम गरम तवा कर लेंगे और इस तरीके से उठाइए, देखिए चकले को हाथ से, और यहाँ पर मैंने इसको तवे पर डाल दिया है। गरम तवा करके उसे मीडियम कर लेंगे, और फिर इसे धीरे धीरे सिकने देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सिकने देंगे हम, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा ऊपर से, तो हम इसको पलट देंगे। बहुत ही आराम से, डेलिकेट रोटी होती है क्योंकि इसको थोड़ा सा केयरफुली हमें बनाना होता है। हल्की सी ये सिक गई है, यहाँ पर हम इसे, अब 2 तरीके हैं देखो इसे सेकने, एक तो है कि तवे पे ही आप इसको सेक लें कपड़े की मदद से, दबा दबा के, या इस तरीके से करछी से भी सेक सकते हैं जैसे मैं सेक रही हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, या गैस पे डायरेक्ट भी सेकी जा सकती है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें इस तरीके से दबा दबा के इसको सेक लेना है, ताकि चारों तरफ से जो है ना अच्छे से सिक जाए। बिल्कुल जलानी नहीं है, सिम गैस कर रखी है मैंने, यहाँ पे लोअर और मीडियम के बीच में है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सिम भी नहीं है। और इस तरीके से पहले देखो, अब रोटी का कलर चेंज हो गया है, ये सिक गई है 60-70%, ये सिक गई हमारी रोटी। प्रेस कर करके इसको ना हल्की आंच पे ऐसे करते रहेंगे, इस तरीके से हम करेंगे। बाजरा बहुत अच्छा होता है सर्दियों में, बहुत हेल्दी रहता है, खाना चाहिए, और मल्टीग्रेन है तो कभी कभी अपना स्वाद भी चेंज करना चाहिए।
और बहुत ही साग के साथ, इन चीजों के साथ, आलू टमाटर साग इस तरीके से। अब हम मैंने इसे गैस पे सेक लिया, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के कोने गैस पे सेक लिए। देख रहे हैं कितनी बढ़िया डिलीशियस रोटी सीखी है, एकदम मजेदार। वाह, सो यम्मी। इसे मैंने साग के साथ बनाया था, सरसों के साथ, साग के साथ, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने घी। बाजरे की रोटी पे घी बहुत सारा लगा होना चाहिए, तभी वो बढ़िया लगती है और हेल्दी भी रहती है। देखो इस कितनी सॉफ्ट बनी है उन्होंने रोटी, एकदम टूट भी नहीं रही है और बहुत ही सॉफ्ट बनी है। बस इसी तरीके से हम सारी रोटी बना लेंगे। ये देखो एक और दिखाती हूँ आपको। ये मैंने तवे पे ऐड कर दिए पहले ही, और हल्के हल्के आंच पर भी इसे सेक, मैंने इसे ऐसे ही सेक लिया है, बहुत हल्के से दबा दबा के, हल्के से दबा दबा के। देखो कितना सुंदर कलर आया ना इसके ऊपर, बहुत ही प्यारा कलर आया है। और इसी तरीके से सेक लेंगे। कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उससे दबा दबा के आप उसको सेक लो, बहुत बढ़िया। और हल्का सा फिर मैंने इसे गैस पे रख दिया कोने सेकने के लिए, इसके थोड़ा सा जो हल्की फुल्की कसर रह गई रोटी के अंदर। ये देखो कितनी बढ़िया रोटी सीखी है ना, एकदम बिल्कुल ऐसे ही आप भी बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा समर्स को, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी। और ये वाली रोटी तो बहुत ही डिलीशियस बनी थी यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसका कॉम्बिनेशन है साग, मूली, गुड़, गुड़ तो कंपलसरी, और घी। ओके, बाय बाय।